कर्नाटका में बिना बहुमत से भाजपा की येदियुरप्पा को सीएम की शपथ दिलाने के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जींद में रानी तालाब पर मोदी सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला कार्यकाल प्रभारी रघुवीर भारद्वाज ने कहा कि आज देश में तानाशाही चल रही है, हिंदुस्तान में पाकिस्तान जैसे हालात बन रहे हैं, सभी पक्षों को दबाया जा रहा है। भाजपा व आरएसएस के लोग देश भर पर कब्जा करने पर उतारू हैं। कर्नाटक में जो घटनाक्रम हुआ है उससे यह साफ है कि भाजपा तानाशाही कर रही है। कांग्रेस को जद एएस का साथ मिलने के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिलना सीधे सीधे दबाव की बात को साबित करता है। इसलिए देश में आपातकाल जैसे हालात हो गए हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद सहवाग ने कहा कि भाजपा अब कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त करने की सोच रही है। तानाशाही के बल पर भाजपा हर सीमा लांग रही है, ऐसे में अब देश की जनता चुपचाप बैठने वाली नहीं है। जींद से रिचि मेहंदीरत्ता, आजाद टीवी न्यूज। हिंदुस्तान के अंदर देश और प्रदेश में हमारे राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो हैं उनके दिशा निर्देश अनुसार प्रदेश के अंदर हमारे डॉक्टर अशोक तंवर जी के दिशा निर्देश के अनुसार हमारे पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर यह विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है और पुतले फूके जा रहे हैं मोदी जी के, क्योंकि कर्नाटक के अंदर उन्होंने ये जिस तरह तानाशाही दिखाई है उसके खिलाफ और बहुमत ना होते हुए भी उनको शपथ दिलाने के लिए गवर्नर साहब को ने बुला लिया है, ये इसके खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए हमने पुतले फूके हैं जींद में भी। काला दिवस के रूप में मनाया गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, ना किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने जो अराजकता देश के अंदर फैलाई है और कानून को हाथ में लेकर के कई राज्यों की जो सरकार बनाई है इसके विरोध में आज काला दिवस के रूप में मनाया गया है। और इसी के एवज में पूरी जनता में, पूरे हरियाणा में, पूरे देश के अंदर हाहाकार मची हुई है। ये ऐसे ही जो है ना, इन्होंने गोवा के अंदर इनके दो MLA थे तो भी इन्होंने धक्का करके वहाँ की सरकार बनाने का काम किया। इसी प्रकार से बिहार में जो है ना मेजोरिटी नहीं थी वहाँ भी सरकार बनाने का काम किया, मेघालय में वहाँ भी ऐसा ही किया। तो ऐसे में ये दो लोग हैं, ये देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं और देश के अंदर ये पैसे का, जहाँ तक कहते हैं मैं भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार इन लोगों से फैलता है।